सो वापसी हो चुकी है उस खूंखार प्लेयर की, जिसको नीली जर्सी देखकर खून खौल उठता है। बुल की तरह वो आता है और उड़ाकर फेंक देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रेविस हेड की। एक और ऐसा मुकाबला जो कि वन साइडेड हो गया, वो तो शुक्र मनाइए लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बैटिंग ले ली। अगर कहीं आ जाती पहले गेंदबाजी तो एसआरएच की टीम आज लग रहा था कि 300 बना डालती, बिकॉज 9.4 ओवर में 10 ओवर भी पूरे नहीं खेले और नियरली 170 का स्कोर चेज कर दिया। कैसे कर लेते हो, मतलब यार अभिषेक शर्मा की तो तारीफ करनी होगी, वहीं पर बात करनी होगी इस ट्रेविस हेड की। नियरली 300 का स्ट्राइक रेट दोनों ही खिलाड़ियों का और उड़ा डाला है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को, ऑलमोस्ट बाहर कर दिया है। यहां पर अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है प्लेऑफ का सफर, बिकॉज दो मुकाबले बचे हैं, दोनों जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। टफ कॉम्पिटिशन रहेगा दिल्ली कैपिटल्स के साथ, बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब एक ही कश्ती की सवारी कर रहे हैं। दोनों ने 12 मुकाबले खेले, दोनों की टीमों ने 6 जीते हैं, दोनों की टीमों ने 6 हारे भी। सो बात करें अब एसआरएच की टीम अब फ्लाई करना स्टार्ट कर चुकी है और लखनऊ सुपर जायंट्स की गाड़ी अब थोड़ी डिरेल हो चुकी है। बात करें एसआरएच की तो एसआरएच अब जा चुकी है तीसरे स्थान पर, लेकिन जाते जाते यहां पर मुंबई इंडियन को भी उड़ा गई है हैदराबाद की टीम, बिकॉज कहीं आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जीतती तो मुंबई इंडियन की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई, प्लेऑफ की रेस में बनी रहती, लेकिन आज जीती है हैदराबाद की टीम तो फ्री फोकट में नुकसान हो चुका है मुंबई इंडियन की टीम का, बिकॉज मुंबई इंडियन की टीम अब बाहर हो चुकी है, वो कैसे भी क्वालिफाई नहीं करने वाली, किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्वालिफाई नहीं करने वाली। सो बस वहीं पर अगर बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अभी 6वें स्थान पर विराजमान हो चुकी है। सो अभी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा कह रहे हो भाई इन तो शुरू होते खत्म हुए यार, कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला, बिकॉज आज के मुकाबले में 9.4 ओवर में कौन करता है यार, थोड़ा सा तरस खाते लखनऊ, मतलब ये कोई गेम नहीं है आईपीएल वालों, जिसपे हर बॉल पर आप छक्के मारते रहोगे छक्के मारते रहोगे। ये आईपीएल का इजी मोड किसने सेट करके दे दिया यार इनको, उसको सांस तो लेने दे बे। कुछ तो थोड़ा कंपटीशन दिखाते, थोड़ा तो गेम में लाने देते लखनऊ सुपर जायंट्स को, लेकिन नहीं, आपको लाना ही नहीं था, आपने उड़ा डाला। मतलब 166 रन का जो लक्ष्य था वो 9.4 ओवर में, कहीं पहले बैटिंग आ जाती तो 310-320 के करीब आप देख रहे होते। ऐसा हो सकता है बिकॉज 340 भी बन सकता था, बिकॉज अगर आप जोड़ोगे 170-170 तो कितना होता, 340। तो भाई साहब मतलब बच गई आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, आप ऐसा भी बोल सकते हो, बिकॉज कहीं आ जाती ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पहले बैटिंग करने पहली इनिंग में, तो फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की तो हवा टाइट होनी थी। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो अब मतलब वो दम भी नहीं है और लड़ने का जज्बा भी नहीं है, बिकॉज केएल राहुल की बात करें 31 गेंद खेलते हैं, 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट लगभग। किसके लिए काम करते हो तुम बताओ? सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। वहीं पर क्विंटन डिकॉक आज वापसी कर रहे थे, मात्र बना पाते हैं 2 रन, मैंने बोला था आज वापसी करेंगे। इसके बाद बात करें स्टोनिक्स की तो वो भी कुछ नहीं कर पाए, 3 रन बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं और ऊपर के टॉप 3 प्लेयर का स्ट्राइक रेट 100 से नीचे ही रहता है। बात करें कुणाल पांडे को, आज ऊपर प्रमोट किया गया, नंबर 4 उनको दिया गया, 21 गेंद खेलते हैं, 24 रन बना पाते हैं, तो आप बोलोगे एक मीडियोकर सी पारी थी। वहीं पर पूरन और आयुष बदौनी की बदौलत, जो कि 95 रनों की साझेदारी हो गई थी, जिसकी बदौलत आप पहुंच जाते हो 165 के स्कोर पर, वरना लखनऊ नहीं बना पा रही थी दोस्तों यहां पर 130-132 भी, वो तो शुक्र मनाइए आयुष बदौनी और निकोलस पूरन का, जिसने आपकी गाड़ी को 165 के पास पहुंचा दिया, वरना आप शर्म के मारे मर जाते, बिकॉज 6 ओवर में तो इनके 100 रन थे। तो हैदराबाद की टीम यार ऐसा मत हराया करो, लखनऊ सुपर ने वो भी खेलने आए यहाँ पर, उनको भी थोड़ा कंपटीशन में आने दिया करो। तो अगर बात करें बॉलिंग की तो भुवनेश्वर कुमार बैक इन फॉर्म, 4 ओवर डालते हैं, 12 रन देते हैं, 2 विकेट भी ले जाते हैं। पैट कमिंस थोड़े से महंगे साबित हो, थोड़े क्या बहुत महंगे साबित हुए, 4 ओवर 47 रन 1 विकेट। शहबाज अहमद 2 ओवर 9 रन, आज खेल रहे थे विजयकांत ऐसे करके श्रीलंकन प्लेयर हैं, वो आज खेल रहे थे, 4 ओवर डालते हैं, 27 रन देते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं। वहीं पर बात करें जयदेव उनादकट की, 2 ओवर 19 रन, विकेट खैर हाथ नहीं लगा, लेकिन ट्री नटराजन 4 ओवर 50 रन, डेथ में आज वो एक्सपोज हो गए। वहीं पर बात करें बल्लेबाजी की बात आती है तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जब उतरते हैं ये दो ओपनर तो नीली जर्सी वाली टीम तो खैर खौफ खा जाती है। बात करें अभिषेक शर्मा की तो 28 गेंदों पर 75 रन, कैन यू एक्सपेक्ट इट, मतलब 28 गेंद 75 रन। और वहीं पर बात करें तो 266
67 के स्ट्राइक रेट पर बैटिंग कर रहे थे। वहीं पर बात करें ट्रैविस हेड की तो 30 गेंदें 79 रन, तो ये भी एक बहुत बड़ी पारी हो गई और टफ कॉम्पिटिशन दे दिया वो सुरेश रैना वाली पारी को, जिसमें सुरेश रैना ने मात्र 25 गेंदों पर 87 रन बनाए थे। तो आज तो लग रहा था कि ट्रैविस हेड उस पारी उस जो है स्कोर को तोड़ देंगे, लेकिन लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा तो खैर धीमे हो ही गए थे। अगर बात करें लगभग 300 का स्ट्राइक रेट इनका भी था। बॉलिंग की बात करें तो कृष्णा पौगोतम 2 ओवर 29 रन, यश ठाकुर 2.4 ओवर 47 रन, वहीं पर बात करें रवि बिश्नोई 2 ओवर 34 रन, नवीन उलहक 2 ओवर 37 रन, आयुष बदौनी 1 ओवर 19 रन। तो यहां पर पूरी तरह से मतलब जैसा होता है ना कि गली क्रिकेट में होता है, एक बड़े से अंकल आ जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगते हैं और धै छक्के, कुछ ऐसा ही आपको इस मुकाबले में भी देखने को मिला। या फिर आप कह सकते हो वो आईपीएल वाली गेम नहीं आते जो इजी मोड पर हर बॉल पर छक्का जाता है, कुछ ऐसा देखने को मिला। और हैदराबाद की टीम अब तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 6 स्थान पर पहुंच चुकी है। लखनऊ मैक्स टू मैक्स 16 अंकों पर जा सकती है और दिल्ली भी 16 अंकों पर जा सकती है, लेकिन ये दोनों टीम एक साथ 16 अंकों पर नहीं जा सकती, बिकॉज इन दोनों के आमने सामने एक मुकाबला है जो कि आपस में होने वाला है। तो एक ही टीम 16 पर जा पाएगी और दूसरी टीम 14 पर रह जाएगी। वहीं पर बात करें हैदराबाद की तो बचे हैं 2 मुकाबले, एक जीत जाओ तो ऑफिशियली क्वालिफाई कर जाओगे, अगर कहीं जीत गए तो 1 और 2 की पोजीशन आपकी होने वाली है जनाब। तो अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा हैदराबाद का परफॉर्मेंस है, कैसी लगी लखनऊ सुपर जायंट्स की वो अदब से हराने वाली टैगलाइन। तो आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, ओपन है, खुला हुआ है, तो कह सकते हो। बस यही था आज की छोटी सी वीडियो में, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।